हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। मैं अनुप्रीता मिश्रा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करना बताया था 6 स्टेप्स में, और एक मैंने 7 स्टेप या एक्स्ट्रा स्टेप मोर करके बताया था, जिसमें लोड को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया था इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पर। उससे पहले चलिए हम ये वाला जो है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसको हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने डिराइव किया था, ट्रांसफार्मर एक्चुअल ट्रांसफार्मर से एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पर हम आए थे, जिसमें प्राइमरी का जो वोल्टेज V1 ही था, करंट I1 ही था, प्राइमरी से डिलीवर होने वाला R1 X1 ऐसे ही पैरामीटर्स थे। शंट ब्रांच या पैरेलल ब्रांच, शंट ब्रांच जो कि कोर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके पैरामीटर्स R0 और X0 थे। R0 से बहने वाला लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट था IW, और X0 से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट IMU फ्लो हो रहा था, और बाकी I2 सेकेंडरी साइड में फ्लो हो जा रहा था। तो I2 की मतलब इक्विवेलेंट सर्किट में I2 बह रहा है, इसलिए R2 को हमें R2 में कन्वर्ट करना पड़ा, X2 को X2 में, ऐसे ही V2 को V2 में, Z2 को Z2 में, लाइकवाइज। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी है। अब अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैं पहला केस कंसिडर कर रही हूँ, फुल लोड वाला। फुल लोड का मतलब क्या है? ये वाला जो लोड लगा हुआ है, अगर मैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर बोलूँ तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में कितना लोड लगा हुआ है? Z2। Z2 लोड जो है वो मैं मिनिमम भी रख सकती हूँ, मतलब शॉर्ट सर्किट भी कर सकती हूँ। मिनिमम लोड का मतलब जीरो लोड होता है, 0 ओम्स, और 0 ओम्स का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। तो मैं शॉर्ट सर्किट भी रख सकती हूँ, या मैं थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाती जाऊँ और इस Z2 को इंक्रीज करती जाऊँ, इतना इंक्रीज कर दूँ कि ये वाला लोड, इंक्रीज लोड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम लोड का क्या मतलब है, या मैक्सिमम लोड को हम फुल लोड वर्ड यूज़ करते हैं, तो फुल लोड का क्या मतलब है? ऐसा लोड जो ट्रांसफार्मर में से मैक्सिमम करंट फ्लो करवाएगा। क्योंकि इतने लेक्चर्स मेरे हो गए हैं पुराने, 10 लेक्चर्स, 11 लेक्चर्स, इन सारे लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यही बताया कि लोड वर्ड को करंट रिप्रेजेंट करता है। तो लोड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, करंट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो नेचुरली मैक्सिमम लोड वो वाला कहलाएगा, या फुल लोड वो वाला कहलाएगा जो कि ट्रांसफार्मर से फुल लोड या मैक्सिमम करंट बहा रहा होगा, और उसके बियॉन्ड ट्रांसफार्मर से करंट बहने पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेटिंग या ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की करंट कैपेसिटी कितनी है, उतनी ही जितना कि फुल लोड के करस्पॉन्डिंग करंट बह सकता हो। मतलब जैसे जैसे मैं Z2 बढ़ाती जाऊंगी, लोड बढ़ाती चली जाऊंगी, ये लोड है, इसको जैसे जैसे मैं बढ़ाती चली जाऊंगी तो I2 भी बढ़ता चला जाएगा, सेकेंडरी साइड का बहने वाला करंट इतना हो जाएगा कि वो मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, रेटेड करंट पर पहुंच जाएगा। और उसे मैं क्या कह रही हूँ, I2, FL, मतलब फुल लोड के करस्पॉन्डिंग का सेकेंडरी करंट। तो नेचुरली जैसे जैसे लोड बढ़ाती जाऊंगी तो K टाइम्स ऑफ I2 FL भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये कौन सा करंट हो गया, I2 डैश। मतलब लोड बढ़ाते चले गए तो उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरली लोड बढ़ेगा तो सेकेंडरी साइड का करंट बढ़ेगा, I2 बढ़ेगा। I2 बढ़ा तो मैक्सिमम कितना पहुंच गया वो फुल लोड के करस्पॉन्डिंग, जब Z2 अब फुल लोड हो गया, Z2 की वैल्यू इतनी हो गई कि फुल लोड के बराबर हो गई, तो उस वक्त करंट जो बह रहा होगा वो कितना बह रहा होगा, I2 FL, FL मतलब फुल लोड। I2 FL बढ़ा तो K टाइम्स ऑफ I2 FL, मतलब I2 डैश भी बढ़ेगा, और ये भी कौन सा I2 डैश होगा, फुल लोड वाला होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, लोड बढ़ाने से I2 बढ़ेगा या I2 डैश बढ़ेगा। तो I2 बढ़ के फुल लोड पे I2 FL बोल रही हूँ, और I2 डैश फुल लोड वाला कितना, I2 डैश FL है, ऐसा। ठीक है, अब मुझे करंट का जो एक्सप्रेशन है अपना वो कितना है, प्राइमरी करंट इज इक्वल टू नो लोड करंट प्लस I2 डैश सेकेंडरी रिफ्लेक्टिव करंट, ये वाला है। अब यहाँ मैं फुल लोड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना लिखूंगी, I2 डैश FL लिखूंगी। I0 ही रहेगा, और
और ये वाला I1 कितना हो जाएगा फुल लोड के करस्पॉन्डिंग, मतलब फुल लोड पर बहने वाला प्राइमरी करंट I1 FL है। तो इसका मतलब पूरा प्राइमरी से खींचा जाने वाला करंट, यहाँ से कितना करंट खींचा जाएगा मैक्सिमम, जिसको मैं I1 FL बोल रही हूँ, कब, जब Z2 कितना है, Z2 FL है, मतलब Z2 FL है इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूँ तो, और I2 कितना है, I2 FL है। अब I0 जो है वो लोड के साथ I0 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, I0 टोटली डिपेंड करता है प्राइमरी सप्लाइड वोल्टेज पर, V1 पर, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे रहेगा तब भी ट्रांसफार्मर में I0 करंट तो खींचा जाएगा, क्योंकि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन नहीं हो रही है, सेकेंडरी साइड में I2 करंट नहीं बह रहा है, तब भी प्राइमरी में I1 करंट जो कि किसके बराबर होता है, I0 के बराबर, I2 या I2 करंट नो लोड कंडीशन में नहीं बहेगा, I2 नो लोड कंडीशन में नहीं बहेगा, तो कौन बहेगा, प्राइमरी से कितना करंट खींचा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ I0 के बराबर। अब I0 के बराबर प्राइमरी से करंट खींचा जा रहा है तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, V1 पर, इसका लोड से कोई लेना देना नहीं है, मतलब लोड हम चाहे जितना भी बढ़ा दे, I0 ही रहेगा जितना भी। अभी मैं बात करती हूँ कितना होता है, तो लोड बढ़ाने पे I2 FL बहने लगे, मैक्सिमम लोडिंग पे I2 FL सेकेंडरी साइड में करंट बह रहा है, और प्राइमरी से खींचा जाने वाला I0 के साथ करंट जो है वो I2 FL है, तो प्राइमरी करंट भी फुल लोड पर I1 FL बहने लगेगा, जैसा कि यहाँ मैंने बताया है। ठीक, अब I0 जो होता है वो I2 FL के रिस्पेक्ट में लगभग कहना चाहिए 3 to 5% होता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि I1 FL के रिस्पेक्ट में I0 जो होता है वो 3 to 5% होता है। जब ये I1 FL का सिर्फ 3 to 5% I0 है, मतलब 97% या 95% जो है वो I2 FL है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि I1 FL जो है वो I2 FL के बराबर होगा। I1 FL जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली I2 FL के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सर्किट में 100% करंट यहाँ से आ रहा है, उसका 3 to 5% करंट यहाँ फ्लो हो जा रहा है, 97% यहाँ फ्लो हो जा रहा है, तो इस ब्रांच को मैं यहाँ बता दूँ या यहाँ बता दूँ, बात एक ही है। तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट फुल लोड कंडीशन ये है कि ये जो शंट ब्रांच है हम इसको सप्लाई की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे बहने वाला I0 करंट फुल लोड कंडीशन में इतना मैग्नीट्यूड कंपेरेबल टू फुल लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं है, बहुत छोटा है। कितना है I0? 3 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट। तो हम अब इस ब्रांच में डाइवर्ट होने वाला करंट I0 है, बहुत छोटा करंट है, तो मैं इस जगह पे यहाँ पर इसका डायवर्शन दिखाऊं या पहले ही डायवर्शन दिखा दूं, बात एक ही है। तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो है फुल लोड कंडीशन का वो यही है कि शंट ब्रांच को हम R1X1 के बाद ना शो करते हुए हम पहले ही शो कर देते। ठीक है, अगर मैंने R1X1 से पहले इसे शो कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ चुकी है शंट ब्रांच किसके पास, सप्लाई के पास, V1 के पास, मतलब R1 R2 के साथ सीरीज में आ गया है और X1 X2 के साथ सीरीज में आ गया है, तो मैं दोनों को ऐड कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों के एडिशन को मैं क्या बोल रही हूँ, R01, मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है रेफर टू प्राइमरी, ये है रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेफर टू प्राइमरी,
ऐसे ही रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंसेस एक्स वन और एक्स टू डैश को भी मैं ऐड करके लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं तो मैंने ऐड कर दिया। तो इनका एडिशन को हम क्या कहेंगे, एक्स नॉट वन, मतलब लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी। और वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन आर वन है, आर टू डैश को मैं आर टू अपॉन के स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऐसे ही एक्स वन एक्स वन हो गया, एक्स टू डैश को एक्स टू अपॉन के स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये मेरे रेफर्ड टू प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, और ये रेफर्ड टू प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर है। इस तरीके से फुल लोड कंडीशन का अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ये है, जिसमें शंट ब्रांच को हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पैरामीटर्स के बीच में जो होती थी शंट ब्रांच, उसको हमने टूवर्ड्स सप्लाई कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो आई नॉट करंट चाहे यहाँ से डाइवर्ट होता वो भी 3-5% था, बहुत छोटा आई नॉट है, और पूरा 97% करंट बाकी का लोड से बह जाता है। तो इसका मतलब मैं इस ब्रांच को पहले ही शो कर दूँ या बाद में शो कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन किया, ये अप्रोक्सीमेशन किया कि शंट ब्रांच को आर वन एक्स वन के बाद शो ना करते हुए आर वन एक्स वन से पहले शो कर दिया। और जैसे ही आर वन एक्स वन से पहले शो किया तो सारे पैरामीटर्स रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस वाले सीरीज में आ गए, तो उनके एडिशन को हम क्या कहने लगे, रेफर टू प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग एंड रेफर टू प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ऐसा हम इसको बोलने लगे। तो ये हमारा फुल लोड का अप्रोक्सीमेट सर्किट हो गया। इसके बाद मैं अभी नो लोड बोर्ड रब कर लेती हूँ और मैं नो लोड का अप्रोक्सीमेट सर्किट आपको बता देती हूँ। पर ये सारे कौन से चल रहे हैं, रेफर्ड टू प्राइमरी, मतलब आर टू को आर टू डैश, एक्स टू को एक्स टू डैश, वी टू को वी टू डैश, इस तरीके से सारे सफिक्स टू वाले टर्म्स में, पैरामीटर्स में डैश डैश लगा हुआ है। तो रेफर टू प्राइमरी ये इक्वेलेंट सर्किट चल रहा है। पहले एग्जैक्ट इक्वेलेंट सर्किट था, फिर मैंने फुल लोड कंडीशन डिफाइन की, फिर मैंने फुल लोड का अप्रोक्सीमेट इक्वेलेंट सर्किट बताया, और सारे इक्वेलेंट सर्किट्स रेफर टू प्राइमरी है। चलिए अब हम नो लोड कंडीशन को डील कर लेते हैं। मैंने एग्जैक्ट इक्वेलेंट सर्किट ये वाला बनाया ही है, जिसमें प्राइमरी ब्रांच के पैरामीटर्स इधर और सेकेंडरी ब्रांच के पैरामीटर्स इस तरफ शो कर दिए हैं। पर किसी भी प्रैक्टिकल कंडीशन में हम ये वाला इक्वेलेंट सर्किट यूज़ कर सकते हैं जो मैंने फुल लोड कंडीशन में बनाया था। ये आपका R01 है रेफर टू प्राइमरी, और वो आपका लीकेज रिएक्टेंस X01 है रेफर टू प्राइमरी। तो किसी भी प्रैक्टिकल कंडीशन में, चाहे नो लोड हो, फुल लोड हो, कोई भी लोड हो, 50% लोड हो, 80% लोड हो, हम ये वाला इक्वेलेंट सर्किट रेफर कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात कर लूँ, नो लोड कंडीशन की बात करूँगी मतलब लोड लगा नहीं है। लोड अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब आई टू डैश मेरे लिए इक्विवेलेंट सर्किट में मैं देखती हूँ तो जीरो हो जाएगा, और एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में भी सेकेंडरी करंट आई टू जीरो है। तो सेकेंडरी करंट आई टू जीरो है मतलब के टाइम्स ऑफ आई टू भी जीरो है, तो आई टू डैश भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आई वन किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सर्किट में अगर मैं आई टू डैश को जीरो कर देती हूँ और आई वन ही पूरा आई नॉट हो जाएगा, जो कि शंट ब्रांच से बह जाएगा, तो ये वाले पैरामीटर्स हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें से करंट तो बह नहीं रहा है। और जब किसी कंपोनेंट में से रेजिस्टेंस रिएक्टेंस में से करंट नहीं बहेगा तो वो हो ना हो बात एक ही है। तो ये मैं शॉर्ट जैसा भी इसको शो कर सकती हूँ। तो अब मेरा अप्रोक्सीमेट इक्वेलेंट सर्किट नो लोड कंडीशन का कैसा हो जाएगा, ऐसा आर नॉट शंट ब्रांच में से बहने वाला करंट जो होगा वो आई नॉट होगा, जो कि आई वन के बराबर होगा, और आई टू डैश कितना है, जीरो है, और इस तरफ आई डब्ल्यू बह रहा है और इधर आई म्यू बह रहा है। ये अप्रोक्सीमेट इक्वेलेंट सर्किट हो जाएगा नो लोड कंडीशन का। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को पहले रिमूव करना होगा, तो कर दिया। तो प्राइमरी ईएमएफ को हमने ईवन डैश में कन्वर्ट कर दिया। ईवन डैश कैसे हो सकता है, मुझे उसको ई2 के बराबर करना है, तो मुझे मालूम है ई2 अपॉन ई1 इज इक्वल टू के होता है, तो ई1 इंटू के मेरे लिए ईवन डैश हो जाएगा, ईवन इंटू के मेरे लिए ईवन डैश हो जाएगा, और वो किसके बराबर, E2 के, मतलब दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज कितना कर दे, E2, और दोनों को जोड़ के वाइंडिंग को हटा दे रहे, हटा दिया। अब हम
करंट्स की बात करें तो करंट्स में क्या हो रहा है, वाइंडिंग हटा दी तो वो पूरा सर्किट एक हो चुका है, मतलब प्राइमरी सर्किट होकर सेकेंडरी सर्किट दोनों मिला के एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो चुका है। तो आई वन क्या था हमारा, आई नॉट प्लस के टाइम्स ऑफ आई टू, जिसको हम आई टू डैश बोल देते। तो ठीक है, मैं सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स से डैश हटा के प्राइमरी साइड के मैं पैरामीटर्स में डैश लगाना चाहती हूँ। तो अब मैं के टाइम्स ऑफ आई टू ना रहने देकर, मैं आई टू डैश ना रख कर मैं आई टू ही रखूँगी। तो इस के को मैंने दोनों के डिवीजन में ले लिया, आई वन और आई नॉट के डिवीजन में ले लिया। तो ये वाली इक्वेशन आई वन अपॉन के आई नॉट अपॉन के प्लस आई टू हो चुकी। तो अब ये मेरे लिए आई वन डैश हो गया है, आई वन अपॉन के आई वन डैश है, आई नॉट अपॉन के आई नॉट के डैश है। ऐसे करके ये इक्वेशन अब हमारी बन चुकी है। देखा जाए तो आई वन डैश इज इक्वल टू आई नॉट डैश प्लस आई टू, ऐसी इक्वेशन ये वाली बन चुकी है। आई वन डैश इक्वल टू आई नॉट डैश प्लस आई टू विदाउट डैश वाली ये बन चुकी है। ठीक है, आई नॉट कितना है, आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू। अब अगर मैं आई नॉट के अपॉन में के करके आई नॉट डैश कर रही हूँ, तो आई नॉट के अपॉन में के करके इसको आई नॉट डैश बना रही हूँ, तो आई डब्ल्यू के अपॉन में भी के करना पड़ेगा, आई म्यू के अपॉन में भी के करना पड़ेगा। मतलब ये एक्चुअली हो गया आई नॉट डैश इक्वल टू आई डब्ल्यू डैश प्लस आई म्यू डैश, ऐसा ये हो चुका है। मतलब हमारे शंट ब्रांच के सारे करंट्स में भी हमने डैश लगा दिया और रेफर टू सेकेंडरी इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब प्राइमरी साइड में जो करंट बह रहा है वो आई वन और आई नॉट ना बह के आई वन डैश और आई नॉट डैश बह रहा है, तो रेजिस्टेंस को बदल के मुझे आर वन से आर वन डैश करना पड़ेगा। तो अब आर वन डैश रेजिस्टेंस कर रही हूँ, तो आर वन डैश में से जब आई वन डैश करंट बहेगा तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में आर वन में से आई वन के बहने पर हो रही होगी, तभी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअल ट्रांसफार्मर जैसे सारे इवेंट्स है और सारे रिफ्लेक्शंस देगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करते टाइम रेफर टू प्राइमरी वाले में भी किया था। तो दोनों आर वन डैश में जितना आई स्क्वायर आर के हिसाब से हीट डेवलप हो रही है और आर वन में जितनी आई स्क्वायर आर के हिसाब से हीट डेवलप हो रही थी, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो इससे मुझे आर वन डैश मिल गया, जो कि कितना मिल रहा है, आर वन डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर R1 dash is equal to k square of R1 हो चुका है। R1 dash is equal to k square of R1 हो चुका है। ये refer to secondary R1 हो गया है, इसलिए उसका नाम क्या है, R1 dash। ऐसे ही solve करेंगे, जो method हमने वहाँ use की थी वैसी method use करेंगे। तो x1 को मैं किस में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, एक्स वन डैश में, तो मेरा एक्स वन डैश जो आएगा वो के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स वन ही आएगा, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स वन आएगा। तो ये मेरा दूसरा लीकेज रिएक्टेंस का पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी हो गया। अब नेचुरली सारे पैरामीटर्स रेफर टू सेकेंडरी हो रहे हैं, तो वी वन को भी मुझे वी वन डैश करना पड़ेगा। वी वन डैश करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ कि वी वन का जो रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ई वन, वो वी वन डैश का रेशियो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ई वन डैश। तो ये जब मैंने फॉलो किया तो मुझे पता चला वी वन डैश कितना है, के टाइम्स ऑफ वी वन आया। वी वन डैश कितना है, के टाइम्स ऑफ वी वन। ऐसे ही आर नॉट और एक्स नॉट को भी मुझे बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने का मैंने तरीका क्या अपनाया है, वो ऐसे कि शंट ब्रांच जो प्रेफर टू प्राइमरी का भी देखूं, इसमें से बहने वाला करंट कितना है, आई डब्ल्यू, इसमें से बहने वाला करंट आई डब्ल्यू है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, वी वन। आर नॉट के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, वी वन। तो आर नॉट इंटू आई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन एज वेल एज एक्स नॉट इंटू आई म्यू इज इक्वल टू वी वन। मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R not into IW is equal to V1 और X not into IMU is equal to V1, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ फॉलो किया है। तो R not dash भी किसके बराबर होगा, V1 dash upon IW dash के। तो V1 dash मतलब अभी अभी देखा K V1, IW dash को अभी अभी देखा IW upon K है, तो वो डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो K V1 upon IW by K, तो K square V1 upon IW, तो K square of R not हो जाएगा। और सेम वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करते तो एक्स नॉट डैश जो होगा वो के स्क्वायर ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से शंट पैरामीटर्स भी हमारे किस में बदल चुके हैं, हमारे बदल चुके हैं रेफर्ड टू सेकेंडरी में। चलिए अब मैं बोर्ड रब कर लेती हूँ, अब मैं रेफर्ड टू सेकेंडरी का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ।
तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वेलेंट सर्किट मैंने रेफर टू सेकेंडरी ड्रॉ कर लिया है, जिसमें सेकेंडरी सारे रेजिस्टेंसेस और लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी कर दिए। तो जैसा वहाँ पे R01 था वैसे यहाँ पे R02 है, और जैसा वहाँ पे X01 था वैसा यहाँ पे X02 है। R02 जो है वो R1 प्लस R2 से मिलकर बनेगा, और R1 कितना है, के स्क्वायर ऑफ R1 ये वाला। और ऐसे ही X1 प्लस X2 से X02 बन रहा है, और X1 कितना है, के स्क्वायर ऑफ X1, और X2 X2 ही रहेगा। तो ये दोनों पैरामीटर्स रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी हो गए। I2 ही रहेगा, V2 रहेगा, Z2 रहेगा, X0 को हमने X0 कर दिया, और R0 को R0 कर दिया। इसमें से बहने वाला करंट IMU- होगा, इसमें से बहने वाला करंट IW- होगा, और आने वाला करंट डाइवर्टेड वाला शंट ब्रांच का कितना है, I0-, और सप्लाई से खींचा जाने वाला करंट कितना है, I1-। अब V1- किसके बराबर हो जाएगा, V1- जो है वो K टाइम्स ऑफ V1 के बराबर हो जाएगा। और इसको देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना EMF है, E1- EMF है, और ये वाला कितना है, V1-। तो यहाँ का पोटेंशियल E1- है और यहाँ का पोटेंशियल V1- है, मतलब हमारे पास V1- इज इक्वल टू E1- इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा, ये आ रहा है, या फिर K टाइम्स ऑफ V1 भी मान सकते हो, ये भी होगा। इस तरीके से ये वैल्यूज हो जाएंगी रेफर टू सेकेंडरी। तो ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है, जिसमें रेफर टू प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी हमने दो डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट समझे। पिछले वीडियो में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बेसिक वाला डिराइव करना सिखाया था 6 स्टेप्स में। आज मैंने सारे अप्रोक्सीमेशंस बताए हैं और रेफर टू सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट बताया है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। अब इसके जो पैरामीटर्स है R01, X01 या फिर दूसरे R0, X0, इन सब पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने की के लिए टेस्टिंग की जाती है ट्रांसफार्मर की। और उस टेस्टिंग पर आने से पहले मैं आप लोगों को लॉसेस पढ़ाऊंगी, तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। आप लोग के कमेंट्स देखकर और आप लोग के व्यूज़, नंबर ऑफ़ व्यूज़ देखकर और सब्सक्रिप्शन का नंबर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज़ डू इट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एज वेल एज ऑन द फेसबुक पेज ऑल्सो, जो कि मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी हुई है। और सारे इससे पहले के वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखती हूँ, तो आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू।